सो हाय एवरीवन, एक बारी फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये जलेबी की रेसिपी बहुत इजी है बनाने में और कितनी क्रिस्पी बन के रेडी हुई है आप देख सकते हो। तो चलिए हम इसे बनाते हैं बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस। अब सबसे पहले हम एक कोई बर्तन ले लेंगे और उसमें हम एक कटोरी मैदा ऐड करेंगे। एक कटोरी मैदे से बहुत सारी जलेबी जो है बन के रेडी हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम एक कटोरी पानी डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम दोबारा से और ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। जिस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ आप भी उसी तरह से करना। गाइस, अब आप देख सकते हो पानी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसे हाथों की हेल्प से ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे की कोई भी इसमें गुठली जो है रह ना जाए। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, बिल्कुल थिक बैटर जो है रेडी हो गया है। अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको आज नहीं तो कल खानी है, तो आप क्या करना, रात को ही ये बैटर बना के रख देना बाहर किसी गर्म जगह पे ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अगर आपको जल्दी खानी है तो आप क्या कर सकते हो, इसे 3 से 4 घंटे की रेस्ट दे सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुगर सिर्फ बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कटोरी जो है शुगर ली है और हाफ़ कटोरी ही मैंने पानी लिया है। सिंपल इजी वे में बोलूँ तो जितनी चीनी लोगे इतना ही पानी आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है। आप चाहो तो यहाँ पे आप केसर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर ऐड करूँगी, रेड कलर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। आप चाहे तो येलो कलर भी ऐड कर सकते हो या ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हो। और अब इसे हम फ्लेम पे रख देंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक ये एक तार की ना बन जाए। तब तक हम इसे बॉईल करते रहेंगे अच्छे से। और अब आप देख सकते हो बैटर भी हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, इसमें बबल्स आना भी शुरू हो गए थे और ये पहले से थोड़ा थिक भी हो चुका है। हमें इसे ऐसे ही रहने देना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर भी हमारा अच्छे से पोर हो रहा है, तो मतलब हमारा बैटर जो है रेडी है। और यहाँ पे शुगर सिरप भी जो है रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। चलिए हम जलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम एक बड़ा सा पैन ले लेंगे और उस पैन में मैं यहाँ पे देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप घी में बनाओगे तो जलेबी जो है बहुत टेस्टी बनती है। आप कोई भी घी ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉस की बॉटल थी तो मैंने उसमें डाल दिया। अगर आपके पास नहीं हो तो आप दूध का पैकेट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। गाइस, यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे मैंने जलेबी बताई है, यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया है। ये इसलिए लगाया कि हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑयल होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हम उसी गर्म ऑयल में जलेबी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है हमें ऐसे नहीं बनाना है। गाइस, हमें ऑयल तो अच्छे से गर्म करना है, लेकिन जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, उसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद हमें जलेबी इस पर बनाना शुरू करनी है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आप इसमें फॉलो करके जलेबी अच्छी बना सकते हो। अब आप देख सकते हो जब मैं जलेबी डालूँ तो बबल्स नहीं आए, उसके बाद में आए बबल्स। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम रखी थी, इस वजह से मेरी जलेबी जो है गोल भी बनी है, एकदम शेप में भी आई है और एकदम ख़राब भी नहीं हुई है। तो ऐसे ही आप बनाना और आपकी जलेबी भी बहुत अच्छी अच्छी बन के रेडी हो जाएंगी। और धीरे धीरे करके आप ऐसे ही जलेबी जो है बना सकते हो। जलेबी का जब कलर चेंज हो जाएगा हम उसी टाइम इसे निकालेंगे, अभी हमें बिल्कुल भी इसे छेड़ना नहीं है। जैसे ही ये थोड़ी क्रिस्पी आपको लगने लग जाएगी ना, उसके बाद आप इसको पलट सकते हो। हम सारी जलेबी ऐसे ही बना लेंगे और जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तो तब हम इसे पलट लेंगे। और आप देख सकते हो थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई है ये। अभी हम इसका कलर चेंज करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमें इस टाइम जो है जलेबी बनाते टाइम हमें मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्लेम रखना है। कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसे, हमने जो चाशनी बनाई थी ना, हम उसमें डिप कर देंगे और 1 सेकंड के लिए हमें उस चाशनी में डिप करके रखना है और उसके बाद निकाल देना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी होगी तो आप उसे गर्म कर लेना, वार्म होनी चाहिए आपकी चाशनी, और उसके बाद ही जलेबी जो है उसमें डिप करना। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही करना।
एक दो सेकंड के लिए डिप करके उसके बाद आप इसे बाहर निकाल देना। सो गाइस, ये थी रेसिपी जलेबी की। और ये देखिए, जलेबी जो है रेडी हो चुकी है। इतनी सारी जलेबी बन के रेडी हुई थी। चलिए हम इसे इसकी प्लेटिंग करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में घंटी का ऑप्शन है ना उसको क्लिक ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो या गाइस, ये वीडियो थी आज। और अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी वो रेसिपी। और अगर आपको हमारा इंस्टाग्राम जो फॉलो करना है तो मैं आपको उसका नीचे लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो या गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।